शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया इंटरव्यू करने का और आप टाइम दे रहे हैं। तो आज का सर हमारा इंटरव्यू है, बेसिकली हम जो फूड वेस्टेज है उसके ऊपर थोड़े से बातचीत आपके साथ करना चाह रहे हैं कि जो फूड वेस्टेज है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो हमारी जो उसमें कैसे हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इस पर सर आप थोड़ा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट के अंदर। तो मैं बेसिकली प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री हूँ और फूड से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। मेरी रिसर्च और मेरा बैकग्राउंड फूड से मुतल्लिक और फूड के हवाले से जो हमारी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी मेरी रिसर्च के हवाले से काफ़ी बायोफ्यूल और उसके हवाले से है। फूड के हवाले से जो पहला क्वेश्चन आपने किया है कि जी हम फूड की जो वेस्टेज है उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं इसके अंदर। एक टेक्नोलॉजी तो ये है कि जो फूड हमारा ज़ाया हो रहा है हम उसकी लाइफ को एक्सटेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा में हमारे जो फूड हैबिट्स हैं चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ होती है जो फूड लाइफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो पेरिशेबल आइटम है जो जिसने 2 दिन रहना है या 2 हफ्ते रहना है तो हम उसकी लाइफ को बढ़ा के 2 महीने तक या सालों तक हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो एक वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम की प्लांट बेस्ड प्रोटीन के हवाले से हम उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। थर्ड जो चीज़ है जो मेरी अपनी स्पेशलिटी भी है वो है जीन एडिटिंग, जो ट्रांसजेनिक फूड्स हैं और प्लस हमारे पास जो हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू उसको यूज़ करते हुए हम उसको लेके जा सकते हैं। ये तो एक इम्पैक्ट है जो कि हम जी अपनी फूड को, फूड की शेल्फ लाइफ को और फूड की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब अगर फूड ख़राब हो गया या फूड की वेस्टेज हो गई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम एक फूड को, ये दूसरी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, फूड वेस्ट को ट्रांसफॉर्म ही कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पेरिशेबल है या कोई फूड वेस्ट की तरफ जा रहा है तो हम उसकी बाई प्रोडक्ट्स बना दें। ठीक है ना, हम उसकी वैल्यू एडिशन कर दें कि जी हमारे पास फूड के अंदर हम उसे वैल्यू एडिशन करके हम उसे लेके चले जाएं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बेसिकली हम इन दो के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है हमारे पास जो एग्री वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एग्री वेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस आई विजिटेड द ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया अपनी जो वियना के अंदर जो एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी प्रोडक्शन है वो सारी वेस्ट प्रोडक्ट से कर रहा था और वो फूड वेस्ट प्रोडक्ट से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। अच्छा, फिर हमारे पास दो तीन तरह की, जैसे अभी हमारे जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारा एनर्जी का मसला है। उस एनर्जी के मसले के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि जी हम अपने फूड को कन्वर्ट कर दें इनटू बायोफ्यूल। दिस इज़ अगेन अनदर स्ट्रेटजी। तो हम अपनी बायोफ्यूल में, अब उसमें भी दो तीन डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ है, फर्स्ट जनरेशन आ रही है, सेकंड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करते हैं जो कि अभी हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एडवाइजेबल नहीं है, वो हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं बायोफ्यूल के अंदर। लेकिन क्योंकि हमें खुद फूड चाहिए और हम उस फूड को ह्यूमन कंजप्शन से हटा के अगर हम एनर्जी कंजप्शन में लगा दें तो वो एक हमारे लिए एक अलग चैलेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो हमारे लिए सूटेबल है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा फूड का वेस्ट है उसे हम कन्वर्ट करते हैं शुगर के अंदर और शुगर को फिर हम ट्रांसफॉर्म करवा देते हैं बायोफ्यूल के अंदर। सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन है। तीसरी चीज़ जो है कि हम जो बाई प्रोडक्ट उसकी या वैल्यू एडिशन करते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते, हम फूड को वेस्ट कर देते हैं, हम उससे उसको प्रोडक्ट नहीं बनाते। प्रोडक्ट बना के मार्केट करके हम ना सिर्फ अपने पाकिस्तान में कंट्री के अंदर उसे कंज्यूम करें, हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, उस मार्केट से हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम अपनी ही बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। प्लस अगर हमारे पास एक्सेसिव हो जाता है, टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो जाती है, तो हम बाहर भिजवा के उससे फॉरेन एक्सचेंज हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चन इसके हवाले से था, दूसरा इन्वायरमेंट के हवाले से अगर आप बात करना चाहें
तो ऑफ कोर्स जो हमारी वेस्टेज है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है, आप इमेजिन कर लें कि इस टाइम जो अभी रिसेंट क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर आए भी हैं, हम जो कार्बन कंजप्शन है उसका हमारा पार्ट लेस देन 1% है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है, बीइंग एज एन कंट्री हम उतना कार्बन कंज्यूम नहीं कर रहे जो टोटल वर्ल्ड का लेस देन 1%। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखें कि हम ये जितनी हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, ये सिर्फ उस वेस्टेज की वजह से, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो क्या करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस लेके आ रही हैं। तो ये एक हमारा, तो बेसिकली अगर हम ये एग्जैक्टली सब देखना चाहें कि जो फूड वेस्टेज है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या आ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि जी के फूड वेस्टेज से एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है? सर मेजरली तो आप ये देख लें कि सिंपली जो हमारा वेस्ट जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे लैंड के अंदर डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो उसका बहुत ज़्यादा है, इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जो हम कंजप्शन करवा रहे हैं, जो हमारा फूड वेस्ट हो रहा है, वो जो कन्वर्ट हो रहा है ऐसे बाई प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि इन्वायरमेंट के लिए और ऐसी गैसेज के अंदर आ रहा है, ये वो उसको जी जी ऐसी गैसेज, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वन ऑफ द आपको उसकी मैंने बताई एग्जांपल बताई है, तो ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाना उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर से, या ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हो जाना जो कि डायरेक्टली उस बायोडाटा को, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब करने से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसकी। ये आपका क्वेश्चन। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपकी फूड की एक्सपर्टीज है, तो कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी फूड वेस्टेज का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं? सर आप जी बिल्कुल, ये तो 100% है इकोनॉमिक। तो आप ये देख लें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कभी पहले कि जो डेवलप्ड, इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी मोर देन 10% फूड वेस्टेज हो रही है। ओवरऑल जो है हमारे पास वर्ल्ड के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन 50% फूड वेस्टेज पाई जाती है। ठीक है, अब आप ये देख लें कि अगर आप अपनी इकोनॉमी का 50% वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप जो खुराक आपने या जो फूड आपने ह्यूमन की कंजप्शन के लिए रखना था उसे इनसिक्योरिटी, देखें आपकी एक प्रोडक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ वीट की प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ राइस की प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन हो रही है, तो एंड ऑफ द ईयर हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया हो जाता है, सारी चीज़ें। अगर हम उसको वेस्ट ना करें तो जितनी प्रोडक्शन हमारे पास इस टाइम है पाकिस्तान के अंदर वही काफ़ी है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन के लिए, अगर हम वेस्टेज की तरफ ना जाएँ। तो आप वेस्टेज की तरफ नहीं जाएंगे, एक तो आपको आपको फूड मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, दूसरा आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, इकॉनमी आपकी बेहतर हो जाएगी, लोग खुशहाल होंगे और क्योस नहीं प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर तो सर अगर हम देखें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फूड वेस्टेज का सोशल इम्पैक्ट क्या है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है सोशल वैल्यूज के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, सर सोशल के हवाले से अभी जैसे पिछली को ही अगर मैं उसको थोड़ा सा करूं, एक तो सोशल ये है कि अगर आपको खुराक नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, फूड इंडस्ट्री को आप फूड वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है, अब अगर आप देख लें तो एक हाई क्लास जो सोवर्ट अगर जो इकोनॉमिकली स्टेबल क्लास है और जो इकोनॉमिकली नॉन स्टेबल क्लास है, तो जब इकोनॉमिकली नॉन स्टेबल क्लास है जब वो देखती है कि वो फूड वेस्ट हो रहा है, तो लोअर क्लास जिसके पास फूड अवेलेबल नहीं है, एक तो सोशल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा पड़ रहा है उसके ऊपर कि जी डिफरेंसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वही खुराक हम अगर वेस्ट करने की बजाय, जैसे एक और प्रोजेक्ट था जिसके अंदर आप ये देखें कि
होटलिंग के अंदर, हमारे यहाँ जो सोशल गैदरिंग्स हैं, सोशल के हवाले से हमारी हैं, हमारी जितनी सोशल गैदरिंग है उस सारी सोशल गैदरिंग के ऊपर हमारी फूड वेस्टेज इवन 60-70% तक चली जाती है, ठीक है ना। अगर हम वहाँ पर उसी को ज़ाया करने के बजाय अगर हम उन्हें पैक करके गरीबों के अंदर या उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके यहाँ फूड की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज़ तो नेगेटिव इम्पैक्ट में तो आप ये देखें कि जब तक आपको फूड नहीं मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फूड नहीं, मैंने कियोस्क की बात की आपकी, अगर आपको फूड नहीं मिलती, हमारे यहाँ होता क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी, प्याज महंगा हो गया अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, टमाटर महंगे हो गए, तो आप क्या करेंगे, रेदर देन गोइंग फॉर आपने एक दिन के लिए दो दिन की हांडी के लिए लेने, तो यू विल गो फॉर बाय 5 kg और 10 kg, वो तो और ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस करेगा। तो आप वेस्टेज की आप सिंपल ये देख लें कि वेस्टेज का सोशल इम्पैक्ट कितने दूर तक और लॉन्ग लास्टिंग जाता है, ठीक है ना, और जो हमारी सोच है उसके साथ वो कंट्राडिक्ट भी करना शुरू। तो सर ये जो फूड वेस्टेज है इसको एजुकेशन में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं पे हमने एड्रेस किया हुआ है या कोई कंटेंट ऐसा डेवलप किया हुआ है कि जो आने वाले बच्चों को ये बताए, स्टूडेंट्स को ये बताए कि फूड वेस्टेज से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? सर अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे एकेडमिक सिस्टम के अंदर इस टाइम, ये एट लार्ज शायद इंडिविजुअली किसी ख़ास सब्जेक्ट के अंदर तो ये प्रोड्यूस ये दे दी जाती हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फूड या न्यूट्रिशन के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये एड्रेस तो मिलेगा, लेकिन वो कितने परसेंट है मुल्क का, ठीक है, तो एट लास्ट तो ये अवेलेबल नहीं है। और इस बात की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कंपेन चलनी चाहिए, नेशनल लेवल के ऊपर कंपेन चलनी चाहिए जो कि फूड की वेस्टेज को रिड्यूस करें, ठीक है ना, और वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, हमारी सोशल बेनिफिट, देखें हमारे रिलीजन भी यही कहता है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी यही कहती हैं, और हमारा जो इस टाइम इकोनॉमिक बर्डन है जितना हमारे पर, उसकी भी डिमांड यही है कि हम फूड को कम से कम वेस्ट करें। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में सर कोई ऐसा जो इनिशिएटिव लेने का प्लान रखते हैं कि जिसमें आप लोगों को एजुकेट करें? जी डेफिनेटली हमारे यहाँ अभी हम प्लान कर रहे हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, क्योंकि इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी और हमारी लास्ट जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग्स भी हुई हैं और जो हमारी सीनियर स्टाफ मीटिंग्स भी हुई है, वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि हम अवेयरनेस सेमिनार्स के अलावा जो रिसर्च है उसके ऊपर फंडिंग हम कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से भी और फूड वेस्टेज के हवाले से भी, दोनों हवालों से हम बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास, तो जिस रीजन के ऊपर हम मौजूद है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, लाइफ स्टॉक बहुत है, तो हम फूड में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइफ स्टॉक की तरफ जाएं तो वो भी एक फूड का सोर्स है, ठीक है, हम अगर प्लांट बेस्ड करें तो एग्रीकल्चर इज द फूड बेस्ड, तो हमारी इस यूनिवर्सिटी की टॉप प्रायोरिटी के अंदर लाइफ स्टॉक और फूड की फूड है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे गोल सेट हो चुके हैं। और इसको सर आप जो यूथ है उसको भी मैसेज देना चाहेंगे फूड वेस्टेज को रोकने के हवाले से या उसके इम्पैक्ट के हवाले से? जी ज़रूर, मैं जितने भी हमारी यूथ है, देखिए हम फूड प्रोडक्शन करना बहुत 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 मुश्किल काम, ठीक है ना, एक फूड फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्रॉप ले रहे हैं तो इट विल टेक 6-7 months टू आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जबकि ज़ाया आप 1 minute के अंदर कर देते हैं, ठीक है, तो मेरी यूथ से गुजारिश तो यही है और रिक्वेस्ट भी यही है कि जी फूड को वेस्ट कम से कम करें, अपने लिए भी कम करें और दूसरों के लिए भी, ठीक है ना, उससे हमें सोशली भी बेनिफिट हासिल होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हासिल होंगे और हेल्थ वाइज बेनिफिट भी हासिल होंगे, तो जो हमारी हेल्थ है वो भी उससे बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना, और प्रिवेंटिव मेजर रहते थे कि हमारी डिजीज़ बर्डन बढ़े, हम प्रिवेंटिव करके तो डिजीज़ बर्डन को भी कम कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।